हेलो गाइस, सो वेलकम टू आवर चैनल देसी बॉयज इन इटली। तो राम राम भाइयों, तो स्वागत है हमारे अपने चैनल देसी बॉयज इन इटली में। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है एक न्यू वीडियो के साथ। तो थोड़ा वीडियोस लेट आती हैं, समझ सकता हूँ, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो जाता है। थोड़ा सा अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा सा मेस्ड अप हूँ, लेकिन टाइम के साथ धीरे 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 करके सब ठीक हो जाएगा। तो आज का जो है, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ टॉपिक क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो लोग नए आए हैं चैनल पे, स्वागत है हमारे अपने चैनल देसी बॉयज़ इन इटली में। और मैं इटली में अपनी मास्टर्स कर रहा हूँ यहाँ पे, और मोस्ट प्रॉब्ली मेरी 2 महीने बाद मास्टर्स कंप्लीट होने वाली है। और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ तोर बरगाता से अपनी मास्टर्स कर रहा हूँ यहाँ पे टूरिज्म में, ठीक है। तो स्वागत है हमारे अपने चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि क्या स्कॉलरशिप के बिना हम यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं इटली में। बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब लोगों के मन में डाउट है। मतलब मेरे को लगता है कि ये डाउट के ऊपर हमें एक वीडियो बनानी चाहिए थी, और बहुत से लोगों ने नहीं बनाई है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने टॉपिक पर कवर नहीं किया है। कुछ ने किया भी है, ऐसा नहीं बोलूंगा, बट कुछ ने नहीं भी किया। तो टाइम के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। तो अब मैं आज का बना रहा हूँ, आज के एक्सपीरियंस पे, कि इज इट वर्थ इट और नॉट, है ना। दोनों चीज बताऊंगा कि किस वे में वर्थ इट होगी और किस वे में वर्थ इट नहीं होगी। मतलब आप लोग कर पाओगे रिलेट उस चीज पे, बस वीडियो पे बने रहो, ठीक है। और सबसे पहली बात कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को फॉर मोर वीडियोस। और जो लोग न्यू हैं और इटालियन सीखना चाहते हैं, वो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे मैं हर दिन ब्लॉग डालता हूँ छोटे छोटे से, जिसपे मैं बेसिक इटालियन सिखाता हूँ, बेसिक वर्ड्स, बेसिक सेंटेंस जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, है ना। तो वो भी देख सकते हो। तो मेरे चैनल का नाम है देसी बॉयज इन इटली, तो वो भी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, और बायो में जाओगे वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि जिसको स्कॉलरशिप मिलती है, परफेक्ट, वेल एंड गुड भाई, फ्री का पैसा मिलता है, किसी को नहीं चुभना चाहिए। और यहाँ आके पढ़ाई करनी है, 2 साल की मास्टर्स है या 3 साल की बैचलर्स है, पढ़ाई करो, अपने क्रेडिट स्कोर करो, जितने नंबर्स होते हैं वो लो, और स्कॉलरशिप लेते रहो। स्कॉलरशिप से क्या होता है कि अमाउंट कोई छोटा नहीं आता, 7,600 यूरो आते हैं, है ना। तो छोटा अमाउंट नहीं है, 7,600 यूरो आते हैं, कोई छोटा अमाउंट नहीं है। रीजन टू रीजन डिपेंड करता है, कई जगह थोड़ा कम भी आता है, लेकिन रोम का बता रहा हूँ, लाजियो का, कि 7,600 यूरो लाजियो पे करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, और सिर्फ पढ़ना है आपको। और 7,600, और अगर मैं बताऊँ, अगर आप रोम जैसी सिटी में हो, और मैं बता रहा हूँ मंथली खर्चा भी लेके चलूँ, शेयरिंग रूम में, शेयरिंग रूम लेके और सब कुछ करके, 500 से ज़्यादा खर्चा नहीं आता, रेंट, ग्रॉसरी, खाना पीना मिला के 500-550 से ज़्यादा नहीं आता। अगर आप 500 × 12 भी करोगे, फिर भी आपका 7,000 में आपका साल पूरा निकल जाएगा। दैट मीन स्कॉलरशिप रहने का फ़ायदा तो है, और स्कॉलरशिप फ्री की है, फ़ायदा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा टॉपिक है कि अगर स्कॉलरशिप नहीं है तो फिर कैसे, क्या होगा, चल सकता है। अब इसमें 2 सिनेरियो बैठते हैं, ठीक है। पहला सिनेरियो कि किसी की यूनिवर्सिटी रोम जैसी सिटी में है, मिलान जैसी सिटी में है, किसी बड़ी सिटी में है, है ना, जैसे कि रोम हो गया, मिलान हो गया, नेपल्स भी मैं बोल सकता हूँ, वहाँ पे भी है वर्क का, है ना, नेपल्स हो गया। अगर ऐसी सिटीज़ में है यूनिवर्सिटीज़, स्कॉलरशिप नहीं है, तो पार्ट टाइम जॉब करके वो इजिली कर सकते हैं मैनेज। पार्ट टाइम जॉब इन द सेंस ग्लोवो कर सकते हैं, फूड डिलीवरी जॉब, स्टूडेंट के लिए वो उससे बढ़िया जॉब तो कुछ नहीं हो सकती, लिटरली बता रहा हूँ। टाइम बिल्कुल फ्लेक्सिबल जॉब, वीक में सैटरडे संडे यूनिवर्सिटी बंद है, ज़्यादा टाइम कर काम कर सकते हो ओवर टाइम, ठीक है। और कभी कभी साइड हसल, छोटा मोटा काम अगर रेस्टोरेंट में मिल जाए, साइड हसल 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, तो यहाँ पे ऐसा भी होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत अर्न कर लिया। लेकिन फूड डिलीवरी इज द बेस्ट जॉब भाई, मेरे को लगता है परफेक्ट जॉब है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, जब तक उसकी स्टडी कंप्लीट नहीं होती, परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल हम दूसरी जगह जाते हैं, अभी तो मैंने बोल दिया रोम जैसी सिटी में आओगे, स्कॉलरशिप नहीं है, तो सर्वाइव कर लोगे, डिग्री कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फीस जीरो हो जाएगी, क्योंकि आप अपना वो लेके आओगे, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करोगे, कि मतलब जो आपका इनकम वो बनता है, इनकम प्रूफ बनता है, वो सारे लाके आप काफ में सबमिट करोगे, तो उससे आपकी फीस तो माफ हो जाएगी। फीस का नहीं है, फीस मतलब मोस्ट प्रॉब्ली कम हो जाती है, जैसे डिपेंड करता है कोर्सेज टू कोर्सेज, किसी की 3,000 भी है, किसी की 1,000 भी है फीस, तो आपके कोर्स के ऊपर है कितने परसेंट माफ होती है ना। लेकिन अगर वो तो चलो आप पे कर सकते हो यार, मतलब 2-3 इंस्टॉलमेंट होती है जिसमें आपको पे करना होता है, और इजिली पे कर सकते हो। मैं नहीं बोलता, बहुत से स्टूडेंट है जो मेरे दोस्त है जिन्होंने पे किए और उन्होंने कर भी दिए, क्योंकि आप इतना अर्न कर लेते हो कि आप इतना अमाउंट दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जिसकी फॉर एग्जांपल किसी कंट्री साइड एरिया से या कोई गांव वाले एरिया में यूनिवर्सिटी है, और वहां से ऑफर लेटर आ गई, एग्जांपल ले लेते हैं,
यूनिवर्सिटी ऑफ मेचरेता से आ गई या किसी और है ना, मतलब बहुत सी हैं जो कंट्री साइड में है, अगर वहां से ऑफर लेटर आ गई, और वहां पे क्या सीन है, वहां फूड डिलीवरी जॉब जीरो, ठीक है, और वहां पे रेस्टोरेंट्स नहीं होंगे क्योंकि पॉपुलेशन इतनी नहीं है, गांव गांव एरिया है, एक यूनिवर्सिटी के कारण वो एरिया चल रहा है, स्टूडेंट आ रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं है, तो भाई वो एरिया में बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत दिक्कतें आएंगी, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कितनी दिक्कतें आ सकती हैं उस चीज़ में। इवन तो इंडिया से भी पैसे मंगाने पड़ सकते हैं उस चीज़ उस सिनेरियो में, अगर स्कॉलरशिप नहीं है तो, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है यार, पहाड़ों में यूनिवर्सिटी है, पहाड़ों में कहाँ रेस्टोरेंट्स होंगे, गिनती के 2 रेस्टोरेंट। भाई तुम अकेले थोड़ी हो, हर कंट्री से बच्चों को ऑफर लेटर आ रही है, वहां जाएंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी ना, गांव एरिया है तो गांव, अब हमारा एक फॉर एग्जांपल इंडिया ले लो या पाकिस्तान, जो गांव के एरिया है, लोग शहरों में आगे काम करते हैं, क्यों, गांव में अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती, तो द सेम थिंग ये यहाँ पे भी वही सीन है। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनानी थी कि लोगों को ना ये चीज़ क्लियर रहे कि भाई स्कॉलरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और स्कॉलरशिप लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट और टाइम टू टाइम अपने करना है, कंसल्टेंट से कर रहे हो या खुद फाइल कर रहे हो, बस थोड़ा सा एक्टिव रहना है, जब भी उसकी डेट आती है स्कॉलरशिप की, फॉर्म फिल करना है, सारे उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, बड़ा ईजी प्रोसेस है यार, हम मतलब मेरे को हो गया है, मैंने अपनी मास्टर्स पूरी मैंने स्कॉलरशिप खाई है यार, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर मैंने खाई है भाई, कोई इतना नहीं है, स्कॉलरशिप मिली है, मैंने अपना एग्जाम दिया है, क्रेडिट्स पूरे किए हैं, स्कॉलरशिप ली है, और मेरे को लगता है स्कॉलरशिप से क्या होता है कि काफ़ी हद तक इंसान रिलैक्स फील करता है, लेकिन जॉब तो करनी चाहिए, मैं तो फिर भी पार्ट टाइम जॉब करता रहा अपने स्कॉलरशिप आने के बाद भी, स्कॉलरशिप सेव रखी कि नहीं, अगर इमरजेंसी कभी जरूरत पड़ेगी तब खर्च लूंगा, लेकिन जॉब से अपना चलता था, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि अगर स्कॉलरशिप नहीं है और तुम ये रिस्क लेके आ रहे हो और फैमिली में थोड़ा सा प्रॉब्लम है पैसों का या कोई चीज़ होती है, तो दिक्कतें हो सकती हैं यार, अगर स्कॉलरशिप नहीं आया, रेंटल अकोमोडेशन देना पड़ेगा यार, गांव में कुछ नहीं होगा तो 200 यूरो तो देना ही पड़ेगा, अगर सिंगल रूम लेते हो गांव साइड में 150 तो देना पड़ेगा ना, अगर सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं होगी, स्कॉलरशिप ही नहीं आएगी, तो वो हर महीने करते 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 2 साल की मास्टर्स में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो फिर बच्चे गलती करते हैं उसमें, अगर गाँव फिर बच्चे फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, इंडिया से पैसा नहीं मंगाना चाहते घर वालों से, क्योंकि सबको पता है अपने घर की चादर भाई, कि घर पर क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं है, तो सबको पता है, तो सब बोलते हैं नहीं भाई अवॉइड करेंगे अवॉइड करेंगे, तो लोग क्या करते हैं डिग्री में थोड़ा पॉज लेके रोम जैसी सिटी में आ जाते हैं, मिलान आ जाते हैं, पढ़ाई पे थोड़ा स्टॉप ले लेते हैं, यहाँ के काम करते हैं, पैसा सेव करते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम है, स्टडी होल्ड में जा रही है, जितनी जल्दी होगा तो अपनी मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगी और उसका भी एक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा ना, तो मेरे हिसाब से वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं यही बोलता हूँ स्कॉलरशिप है तो कंट्री साइड एरिया बेटर है, अदरवाइज नहीं भाई वो भी बेटर नहीं है, शहर में बोल सकता हूँ रोम मिलान बड़ी सिटीज फिर भी बेटर है, अगर स्कॉलरशिप नहीं है तो फिर भी तुम सर्वाइव कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको, अगर वीडियो क्लियर हुई है तो प्लीज़ फॉलो फॉर मोर वीडियोस, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, और कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट करके पूछ लिया करो, अगर टाइम होगा तो रिप्लाई हम कर दिया करेंगे पक्का प्रॉमिस, चलो फिर राधे राधे, ध्यान रखो अपना, बाय बाय।